आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में मनी एक्सचेंजर से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने मनी एक्सचेंजर को गोली मारी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बदमाश 10 लाख रुपए की करेंसी लेकर फरार हो गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। मनी एक्सचेंजर को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी है, जिसके बाद वह 10 लाख रुपए की करेंसी लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि मनी एक्सचेंजर ऑफिस बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी जैसे ही वह बाहर निकले तो कार सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद वह 10 लाख रुपए की करेंसी लूटकर फरार हो गए। गोली लगने से मनी एक्सचेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना ताजगंज इलाके का बताया जा रहा है। मेरा नाम मनीष शर्मा है। शर्मा जी, ये कई घटना हुई थी, कैसे हुई, क्या रहा, क्या था यहाँ पे? सर, हम लोग तो अपना ऑफिस बंद करके जा रहे थे। जो मेरे पार्टनर थे वो पहले ऑफिस के बाहर आ गए, मैं अंदर ही था चांस की बात। आज पीछे से अचानक से एक वाइट कलर की गाड़ी आई है, स्विफ्ट गाड़ी है ये बताते हैं, मैं अंदर था। ऐसी वो आई है, उसमें से चार लड़के, एक लड़का ड्राइव कर रहा था, तीन लड़के निकले हैं जिनके पास पिस्टल थी। और पिस्टल के साथ उन्होंने ना वो जो मेरे साथी के पास बैग था, उसको बैग को छीनने की कोशिश करी है। जब वो उनसे बैग नहीं दिया उसने, तो उसने उसको गोली मार दी है। कितना अमाउंट था उसमें और कौन सी करेंसी थी? विदेशी मुद्रा है सर, यूरो था उसमें और डॉलर भी है, थोड़े से जापानीज येन है, दुबई की करेंसी है। कितना कॉस्ट बन गया? करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास होगा, 15 से 17 लाख के बीच में होगा। यहाँ ताजगंज थाना क्षेत्र में JR सॉल्यूशंस फॉरेक्स एक्सचेंज की यहाँ दुकान है, और उसी में जब वो अपना पैसा लेके दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी जो कि बताया जा रहा है स्विफ्ट गाड़ी है, उससे कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने इनसे पैसे छीनने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में इनके ऊपर फायरिंग भी किया, जिसमें वो चोटिले, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन्होंने द्वारा बताया गया है कि फॉरेन करेंसी में जो पैसे थे वो मोस्टली लूटे गए हैं, और जिसका पूरा डिटेल अभी इनसे लिया जाएगा तब एग्जैक्ट अमाउंट का मालूम चल पाएगा, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि ये 10 से ऊपर का कुछ अमाउंट है, और पुलिस में तफ्तीश कर रही है, उसके लिए कैमरे देखे जा रहे हैं, टीमें बना दी गई हैं, जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे।